हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीसीडी कन्वर्जन। एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बीसीडी नोटेशन का उपयोग करके बेस शब्द का बाइनरी निरूपण क्या होगा। और ये क्वेश्चन कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 में कई बार रिपीट हो चुका है। और यहाँ पे जो बेस शब्द दिया है, मैक्सिमम टाइम इसी वर्ड को लेके पूछा जाता है ये क्वेश्चन और इसमें इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी वर्ड का बीसीडी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं और बीसीडी कोड क्या होता है, कितने बिट का होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो आइए समझते हैं सबसे पहले बीसीडी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, बीसीडी होता है, इसको हम 8421 कोड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये भी दिमाग में बिठा लीजिए, कई बार ये लिखा रहता है बीसीडी जगह आपको मिलेगा 8421 कोड क्या है या किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 8421 कोड को हम बीसीडी कोड भी बोलते हैं या बीसीडी कोड को 8421 कोड के नाम से भी जानते हैं। और ये 4 बिट का कोड होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीडी कितने बिट का कोड है, तो ये 4 बिट का कोड होता है। और एक और क्वेश्चन इसी पे बेस पूछा जाता है, इससे मैक्सिमम कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इससे आप मैक्सिमम 64 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा मेथड है या कौन सा ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम कम से कम कैरेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो बीसीडी में ही 64 कैरेक्टर की लिमिट होती है, ये सबसे कम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर हम बात करें स्काई कोड की, तो स्काई हमारा 7 बिट और 8 बिट दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हम स्काई 7 बिट की बात करें तो यहाँ पे 128 कैरेक्टर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर स्काई 8 बिट की बात करें तो इससे आप 256 मैक्सिमम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के एक और रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है EBCDIC, और ये भी 8 बिट का होता है और इससे भी हम 256 को कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे बीसीडी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यहाँ पे आपको हम टेबल्स के फॉर्म में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इजिली आपको समझ में आए। तो अगर आपको बीसीडी में 0 जो कि हमारा डेसिमल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा डिजिट है और ये हमारा जोन कोड होता है और यहाँ पे होता है हमारा बाइनरी कोड। ओके, तो यहाँ पे 0 जो हमारा डेसिमल नंबर है, इसका जो जोन होता है वो होता है 00 और इसका बाइनरी होता है, इस तरीके से आप देखेंगे तो 4 बिट में होता है। यहाँ पे क्या है कि ये हमारा 8421, अगर आप इस तरीके से इसको लिखते हैं तो यहाँ पे आप इसलिए किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्म में लिखा गया है। और इसी तरीके से जो हमारा डेसिमल नंबर 1 है, उसको अगर आप बीसीडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका जोन कोड होता है 00 और यहाँ पे इसका सिंपली आपको इस 1 का बाइनरी नंबर लिखना है, मीन्स 0001। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 029 सभी का बाइनरी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये उसका जोन कोड है। इन दोनों को मिला के बनता है हमारा बीसीडी कोड। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया। अब आते हैं अल्फाबेट्स की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके भी 3 अलग अलग जोन्स होते हैं। जो ए से आई तक जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आई, इसका जो जोन कोड होता है वो सभी का 11 होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें जे टू आर लेटर्स की, तो यहाँ पे इनका जो जोन कोड होता है वो 10 होता है। यहाँ पे इन सभी का 10 जोन कोड है। और इसको कैसे याद कर सकते हैं आगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बहुत एक सिंपल सा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपको इस टेबल को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से अगर हम एस टू जेड का जोन कोड की बात करें तो यहाँ पे 01 होता है। और इन सभी को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डेसिमल नंबर है 0 to 9, इनको हम 0, 1, 2 इस तरीके से सभी का सिंपली हम बाइनरी नंबर लिखते हैं यहाँ पे इस जगह पे, इन सभी को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो आपको ए के लिए सिंपली 1 का बाइनरी लिखना है, बी के लिए 2 का बाइनरी लिखना है, सी के लिए 3 का बाइनरी लिखना है, इस तरीके से आप यहां तक देखेंगे तो ये सिर्फ बाइनरी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। मींस आई का जो हमारा बाइन यहाँ पे बीसीडी कन्वर्जन होगा, इसमें जोन कोड होगा 11 और यहाँ पे आपको सिंपली 9 का बाइनरी नंबर लिखना है। इस तरीके से इसका जो बीसीडी कोड बनेगा वो जाएगा 11001001।
ये हो जाएगा हमारा जे का बीसीडी कोड। ओके, और यहाँ पे जैसे जोन चेंज होता है ये फिर से वन से इनिशियल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वन का बाइनरी लिखा हुआ है, यहाँ पे टू का, ये थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन का, एट का और नाइन का। इसी तरीके से जैसे फिर से जोन चेंज होता है 01, तो यहाँ पे एस के लिए हम फिर से यहाँ पे वन का बाइनरी लिखेंगे, टू का बाइनरी, थ्री का बाइनरी, फोर का बाइनरी, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन का, यहाँ पे इस तरीके से बाइनरी लिखेंगे और इसके साथ में हम जोन कोड इंक्लूड करेंगे और इन दोनों को मिला के बनता है बीसीडी कोड। ओके, तो इस टेबल को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो इसका हम बहुत सिंपल सा एक तरीका आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेस वर्ड को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में यूजिंग बीसीडी मेथड। तो अगर आप किसी दूसरे लेटर्स को या किसी दूसरे वर्ड को बीसीडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है हमारी तरफ से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे जोन कोड डिजाइन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर्स होते हैं 0 to 9, उनका जो जोन कोड होता है वो होता है 00, और S to Z जो हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, इनका जोन कोड होता है 01, और A to I जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इनका जोन कोड होता है 11, J to R जो हमारे अल्फाबेट्स हैं इनका जोन कोड होता है 10। तो अगर आप सिंपल इसको याद कर लेते हैं तो इजिली आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मींस किसी भी वर्ड का अगर बीसीडी कोड पूछा जाता है या फिर किसी भी नंबर का बीसीडी कोड पूछा जाता है, तो आप सिंपली इस टेबल को फॉलो करेंगे, आप सिर्फ इस जोन मेथड को फॉलो करेंगे और इससे आप किसी भी नंबर का, किसी भी अल्फाबेट का बीसीडी कोड निकाल सकते हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है बीसीडी नोटेशन का उपयोग करके बेस शब्द, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, बेस शब्द का बाइनरी निरूपण करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला लेटर्स है हमारा बी। तो यहाँ पे अगर हम पिछली प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बी का जो भी यहाँ पे बाइनरी लिखा हुआ है वो सिंपली हमने ले लिया और यहाँ पे इसका जोन कोड है 11। तो यही हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, सिंपली बी के लिए ये आएगा हमारा बीसीडी नोटेशन। और इस तरीके से हमारा ए का जो बीसीडी रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये हो जाएगा, एस का ये हो जाएगा और ई का ये हो जाएगा। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं इसको, तो देखिए बी क्या है, किस जोन में बिलोंग करता है, यहाँ पे आप देखेंगे A to I इस जोन में बिलोंग करता है, मींस यहाँ पे इसका जोन कोड क्या होगा 11। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखेंगे 11 लिखा हुआ है और सिंपली बी क्या होता है, अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें तो ए में सिंपली 1 का बाइनरी लिखना होता है, मीन्स 001 हो जाएगा, और बी का जो बाइनरी होता है वो होता है हमारा 0010 इस तरीके से। तो जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं A to I उन सभी को 1 से लेके और जो भी लास्ट अल्फाबेट होगा उसको हमें सिंपली बाइनरी कोड में लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए बी का जो जोन है वो हमारा 11 जोन है, तो यहाँ पे 11 पहले लिखा गया, इसके बाद इसका सिंपल बाइनरी कोड लिख दिया गया। इसके बाद अगर हम ए की बात करें तो ए भी हमारा 11 जोन में बिलोंग करता है, तो इसके लिए सबसे पहले 11 रखा हमने और इसके बाद 1 का जो भी ए का जो बाइनरी कोड है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अगर हम एस की बात करें तो एस हमारा बिलोंग करता है 01 जोन में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 01 लगाना है और उसके बाद एस का यहाँ पे सिंपली बाइनरी लिखना है, क्योंकि एस हमारा इस जोन में सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो एस का मतलब होगा 1 का बाइनरी लिखना है। इसी तरीके से अगर हम ई की बात करें तो ई हमारा बिलोंग करता है, फिर से यहाँ पे ए टू आई के बीच में ई आएगा, तो यहाँ पे 11 जोन में बिलोंग करता है, तो हमने यहाँ पे ई के लिए 11 जोन कोड लिखा है और इसके बाद जो भी इसका बाइनरी नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ये हमारा बेस शब्द का बीसीडी नोटेशन हो चुका है इस तरीके से। तो अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड है हमारा, कौन सा अल्फाबेट है, बी। तो यहाँ पे देखिए बी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 11 आ रहा है और इसके बाद 00 फिर 10, तो यहाँ पे 0010 आपको मिल रहा होगा। अगला अगर हम ए की बात करें तो सबसे पहले 11 है, इसके बाद 0001 है, तो 0001 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसके बाद अगर हम एस की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 01, तो यहाँ पे आपको 01 मिलेगा और इसके बाद 0001 है, तो 0001 यहां तक हो जाएगा, ये हमारा एस के लिए हो जाएगा। और अगर हम ई की बात करें तो यहाँ पे 11 दिया हुआ है और इसके बाद लिखा हुआ है 0101, तो यहाँ पे 0101। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से आप किसी भी वर्ड का बीसीडी नोटेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको ये जोन याद रखना है, अगर आप ये जोन याद रख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इस टेबल को सिंपली आप दिमाग में बिठा लीजिए कि 00 जो हमारा 0 to 9 डिजिट्स होती हैं उनका जोन कोड होता है 00 और S to
जेड हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका जो जोन कोड होता है 1001 होता है, और ए टू आई जो अल्फाबेट्स होते हैं इनका जोन कोड होता है 11, और जे टू आर जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनका जोन कोड होता है 10। ओके, और हमेशा हमें क्या करना है, जोन कोड को सबसे पहले लिखना है और उसके बाद उसका जो भी बाइनरी नंबर है उसको लिख देना है। तो इस तरीके से बीसीडी से हम कोई भी अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोई भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, आप इस जोन मेथड को दिमाग में बिठा लीजिए, और कई बार एग्जाम में इस तरह काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी के मैं हेल्प कर पाऊं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।